नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीयू न्यूज। चले चलते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। निशा शर्मा सुसाइड केस में पुलिस ने अब तक 21 लोगों के बयान दर्ज किए। एक्ट्रेस तो निशा शर्मा के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। अमेरिका ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 टेस्टिंग की घोषणा की। दिल्ली में कोरोना के 13 नए मामले आए सामने। ट्विटर हुआ डाउन, यूजर्स को साइन इन करने में हो रही परेशानियां। कंबोडिया के एक होटल में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत। 30 केरल में PFI के 56 ठिकानों पर NIA की छापेमारी। राहुल गांधी ने 2020 से 113 बार सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया। जम्मू में कल मारे गए 4 आतंकी जैसे मोहम्मद के लिए काम करते थे। फिल्म प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन का लंबी बीमारियों के बाद निधन। शादी के घर में लगी आग, 4 घायल। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में रैन बसेरा का निरीक्षण किया। डोईवाला अधिकारियों की हलचल से जागी उम्मीद। गद्दरपुर के महतोष मछली बाजार में आज राजस्व प्रशासन और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने की छापेमारी। सरकार के आदेश के बाद लोहाघाट में SSB प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का सत्यापन अभियान शुरू। कृषि एवं सहकारी सचिव ने लोहाघाट के ग्रोथ सेंटर का लिया निरीक्षण। काशीपुर बढ़ती ठंड, गिरता कारोबार। वही जिना ने मछोर इंटर कॉलेज भवन खेल मैदान का उद्घाटन किया। नगर की खन्ना राइस मिल में हुई डकैती। 65 से अधिक पंचायत जनप्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायत प्रतीत नगर में भ्रमण किया। 31st के जश्न को लेकर नंदा देवी नेशनल पार्क प्रशासन सतर्क। 2022 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पुष्कर सिंह धाबी ने किया शिरकत। हरिद्वार सिटकुल मेले में दिखी मिनी भारत की झलक। कोटद्वार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। हरिद्वार पुलिस ने किया भर्ती सेंटर का भांडाफोड़।